तो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आज का हमारा न्यू वीडियो रहेगा ये जो ऊपर वाला फिल्टर का जो ऑप्शन है उस पे। तो हम इसमें देखेंगे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं फिल्टर गैलरी, एडेप्टिव वाइड एंगल, कैमरा रॉ फिल्टर। तो हमने इसका अलग वीडियो जो है हो गया हमारा। उसके बाद है लेंस करेक्शन, उसके बाद है लिक्विफाई, उसके बाद 3D, उसके बाद ब्लर, उसके बाद ब्लर गैलरी, उसके बाद डिस्टॉर्ट, उसके बाद नॉइज, पिक्सलेट, रेंडर, शार्पन, स्टाइल, स्टाइलिश वीडियो, अदर। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे वीडियो कलर ये जो है लास्ट में दिया है, जाएंगे पता इसको फिल्टर गैलरी में जाएंगे। तो ये फिल्टर गैलरी में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें जो है फिल्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिस्टिक में आर्टिस्टिक के फिल्टर, फोटो जूम में आर्टिस्टिक में आर्टिस्टिक के फिल्टर दिए गए हैं जो है। और उसके बाद फिलिंग रेंज दी है, उसके बाद फ्रेस्को, उसके बाद नियॉन ग्लो, उसके बाद पेंट डब्स, ऐसे अलग अलग फिल्टर दिए गए हैं इसमें। उसके बाद ब्रश स्ट्रोक्स, उसके बाद इसमें दिया है एजेंटेड एजेस, एंगल स्ट्रोक, उसके बाद डार्क स्ट्रोक, उसके बाद आउटलाइन, उसके बाद स्पैटर। तो यह है, उसके बाद डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट में डिफ्यूज ग्लो, ग्लास, उसके बाद स्केच मतलब पेंसिल जैसे भी रहते हैं वैसे वाले यहाँ पे फिल्टर दिए गए हुए। उसके बाद दिया है स्टाइलिश में ग्लोइंग एजेस, मतलब जो भी यह है जो पीछे ट्री के जो ये दिख रहा है एजेस, इसके एजेस है ये सब ग्लो करेंगे। उसके बाद दिया है टेक्सचर में ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ग्रेन, मोसाइक, टेक्सचराइजर, स्ट्रेन ग्लास और पैचवर्क, बस यही है। तो फिर ये था हमारा, मतलब जो था ये था मैंने बताया अभी आपको फिल्टर गैलरी की, एडेप्टिव वाइड एंगल मतलब मैंने पता क्या होगा, जैसे मैं इसकी स्केल बनाऊंगा पहले। ये पूरा जो एडेप्टिव वाइड एंगल ये पूरा क्रॉप के बारे में दिया होगा इसने। तो अगर मैं स्केल कम करूँगा तो क्रॉप कम होगी, और ये जो कर्व जो दिख रहा है आपको, ये कर्व थोड़ा बढ़ेगा राइट साइड, और फोकल लेंथ मतलब सर्कल चाहिए थोड़ी, देखो फोकल लेंथ मतलब जो फोकल मतलब रहता सर्कल का जो फोकल लेंथ रहता वैसे को फुल करूँगा फिर बैठेगी। तो ये था हमारा एडेप्टिव, इसके बारे में और यहाँ पे क्रॉप फैक्टर दिया है, कैसी क्रॉप चाहिए, कर्व या फिर स्प्लेन, कर्व, सर्कल, क्रॉप फैक्टर, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रॉप, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने ये दिए टूल दिए हुए हैं, अच्छा तो ये टूल सिलेक्ट हो गया। टूल दिया गया होगा, ये टूल से हम मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने तो पिक सिलेक्ट करके बताया हूँ, लेकिन आप ऑब्जेक्ट ये हैंड टूल मतलब ऐसे कहाँ पे ये जूम कर सकते हैं, यहाँ पे हैंड टूल ये जूम फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त दिया है इसने। ये है हमारा जूम टूल। तो ये था हमारा एडेप्टिव वाइड एंगल के बारे में, इसमें बस आपको क्रॉपिंग का वगैरह दिया है, यहाँ पे अलग करेक्शन प्रिसेप्टिव, स्केल, फोकल लेंथ, यहाँ पे ये जो है टीवी टाइप आ गया और 3D आ गया। 3D मतलब ऐसे 3D टाइप जो इमेज है 3D लग रही है। तो ये फोकल लेंथ प्रिसेप्टिव में दिया है, यहाँ पे ऑटो में भी करेंगे तो वो मैच हो जाए फोन प्रोफाइल। ओके तो इसको मैं पहले नॉर्मल कर लूँगा, नॉर्मल के बाद हम चाहें कि ऑटो लेंस प्रोफाइल फॉर्म, लेंस चाहिए इसके लिए, और उसके बाद भी अगर फुल स्पेरिकल इसके लिए भी रेशो जो है इमेज का 1:2 चाहिए। रेशो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशो, या तो ये जो है 1:2 होगा यहाँ पे, यहाँ पर 1:2 है, हाँ तो ये दो रेशो में से कोई भी चलेगा। तो ये था हमारा एडेप्टिव वाइड एंगल के बारे में, कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में मैंने आपको इसके पहले के पहले वीडियो में मतलब
इसके कैमरा और फिल्टर की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वैसा। उसके बाद दिया हुआ है लेंस करेक्शन, और लेंस करेक्शन में क्या है यहाँ पे ऐसे जाना, फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ब्लैक कलर, यहाँ पे सैमसंग सोनी, ये क्या बता रहा है बताएं। जैसे हम लोग कैमरा जैसे फोटो खींची मतलब क्लिक की हुई है कौन से दूसरे कैमरे से, जैसे सोनी निकॉन, और आप मतलब जो जो भी स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन के अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया रहते हैं। तो ये क्राइटेरिया जैसे सोनी का ये क्राइटेरिया है, उसके बाद में जाओगे सैमसंग यूआई के तरफ जाएंगे तो यूआई में जो है ये अलग थोड़ा दिया हुआ है। देखो आप फोटो चेंज होंगी थोड़ी, सैमसंग में चेंज होंगी, सैमसंग में चेंज होगी, तो ये जो है ये पूरा दिया गया हुआ है यहाँ पे प्रीसेट, जैसे एंगल में आपको फोटो चाहिए। जो मिनी 8 दिया है, मिनी 8 मतलब व्हाइट कलर हो गया यहाँ पे, तो कुछ नहीं बस वो इमेज अपने मतलब तरह से सेट कर रहे हैं। हमको कौन सी ब्रांडिंग के लिए चाहिए इमेज, जैसे आप अलग अलग ये दिए हुए एप्पल करूँगा तो एप्पल की ब्रांडिंग में आएगी। उसके बाद यहाँ पे कैमरा मोड दिया है, कौन से फोन, आईफोन 11 प्रो, मतलब जिस एंगल से जो फ़ोन मतलब जो मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा रहता है, जिस एंगल से क्लिक करता है फ़ोटो, तो ऐसे लगता है कि हमने वही एंगल से फ़ोटो मतलब वही फ़ोन के एंगल से, जो भी उनकी विड्थ रहती है मोबाइल के जो कैमरे की इनबिल्ट कैमरे की, तो वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे लेंस मॉडल दिया है, लेंस देखो मैंने अभी आईफोन सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे, अगर यही पे अगर मैं करता सिलेक्ट सैमसंग के कर गया सैमसंग, तो यहाँ पे सैमसंग के चूसे कैमरा मॉडल, उससे अच्छा मैं आईफोन लूँगा फिर तो, क्योंकि कैमरा मॉडल फिर और चूज़ करो जो कि कैमरा हमारे पास चलने का है। तो कैमरा मॉडल में जाएंगे हम लोग 11 प्रो लेंगे, उसके बाद लेंस मॉडल पे जाएंगे तो कोई भी लेंस सेलेक्ट करते रहिए। तो ये देखो ये जो फोटो है उसका परफेक्ट जो है जैसे 11 प्रो मैक्स से क्लिक होती है, वैसे ही वो फोटो को मतलब जो है एंगल दिया और विड्थ दी हुई है, अंदर की जो फोटो प्रिसेप्टिव रहता है वो बराबर उसने परफेक्टली एडजस्ट करके जो क्लिक मतलब जो फोटो है वो एडजस्ट की है। तो ये था हमारा अलग अलग लेंस करेक्शन, जैसे लेंस रहती है मोबाइल कैमरे की वैसे वैसे हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया था लेंस करेक्शन के लिक्विफायर, ये तो तुमको स्टार्टिंग में समझ गएगा कि हम कर क्या रहे हैं। मैं इसको एंगल को यहाँ पे रखता हूँ और इस एंगल को डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, और ये रेट 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 ये बढ़ नहीं रहा, रुको मैं इसको बताता हूँ कैसा। तो ये कह दिया, अब तुम समझ रहे होंगे कि करना क्या है। अब मैं इसको ऐसे लिक्विफाई जो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, अब ये फोटो हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हमें मोल्ड करना है वैसे। तो ये जो है हम किसी भी एंगल में मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दिया है आईज नॉइस, नॉइस के सहना ऐसा वैसा, हम जब मोल्ड करेंगे ना फोटो तब ये एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पे स्मॉल मीडियम साइकन ऐसे ऐसे। तो ये जो है हमारे इसके बारे में जो है ब्रश 2 मतलब ये लिक्विफाई मतलब हम वाटर डेंसिटी वगैरह सब 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 जो रहता ही है, जो ट्रीज दिख रहे हैं वो मैं इनकी हाइट बढ़ा सकता हूँ, ऐसे पर्टिकुलर ट्री की भी हाइट बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हाइट बढ़ा दिया। तो ये था पूरा लिक्विफाई, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत वीडियो बड़ी बन जाएंगी। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इन्होंने, मतलब ग्रीन करूँगा तो ग्रीन कलर में आएंगे, और कुछ नहीं है ये बस उस उन्होंने स्केल दी हुई है। तो ये था लिक्विफाई, और यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स जैसे ये इन्होंने प्रीसेट्स बहुत कुछ दिया इन्होंने, क्या बताया यहाँ पे लोड मेश ऑप्शन, यहाँ पे मास्क ऑप्शन, ऐसे अलग अलग मास्क दिया उन्होंने,
ये जो है ये पूरा जो है जो लैंडस्केप रहती है उसके बारे में ये हम यूज़ कर सकते हैं उसको लिक्विफाई को। यहाँ पे अलग अलग टूल दिए गए हुए इसके, कौन सा टूल है ये, पकड़ टूल, बोर लोड टूल, पुश लेफ्ट टूल, फ्रीज मास्क, थॉ मास्क, फेस टूल, ऐसे अलग अलग टूल दिए हुए हैं इसमें। तो मैंने फोटो सेलेक्ट करके हमने अभी देखे लिक्विफाई। अगर मेरे मतलब अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं लिक्विफाई के ऊपर और एक डिटेल जो पूरा जो मैं करके दिखाऊंगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा लिक्विफाई पे। उसके बाद दिया है 3D, 3D के लिए डायरेक्ट हम ये वाले 3D में जाएंगे। यहाँ पे दिया है ब्लर, ब्लर में दिया है इन्होंने एवरेज, तो इसने एवरेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। मैं ज़्यादातर ब्लर जो यूज़ करता हूँ मैं बताता, यहाँ पे जाके ये ब्लर करूँगा तो जिस भी पोर्शन में ब्लर, जैसे मैं यहाँ पे जाके ब्लर, इसने ब्लरी जो फिल्टर दे दिया है। ये इतना डिटेल में नहीं बताता ये ब्लर, तो ब्लर मोर तो ये और ब्लर कर देगा। मेरे को यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो रहे अपने आप, मैंने जो भी यूज़ किया अभी। उसके बाद दिया ब्लर, मैं ये वाला ब्लर बॉक्स ब्लर करूँगा, बॉक्स मतलब पूरी फोटो का जो ब्लरनेस है वो इंक्रीज हो रहा है रेडियस पिक्सल इसके, तो ये तब पूरा ब्लर के बारे में कैंसिल कर दिया इसको। फिर उसके बाद मैं ये वाला ब्लर यूज़ करता हूँ गॉशियन ब्लर, इससे हम हल्का सा ब्लर करेंगे। फिर देखा तो इमेज पूरी हल्की सी ब्लर हो गई है। ये अगर आपको मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तो आप बैकग्राउंड जो है इससे ब्लर कर सकते हो। उसके बाद ब्लर जाके इसको वापस, उसके बाद ब्लर, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर भी और शेप ब्लर, ब्लर गैलरी में ये जो है हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, ये जो ब्लर है आयरिस ब्लर मतलब ये देखो, इसका साइज में इंक्रीज कर दूंगा और क्या, इनके साइज का इंक्रीज कर दूंगा। ओके तो अब ये जो यहाँ पे इन्होंने ये दिया है इसकी फोकल लेंथ, अब देखो ये जो एरिया है ये पोर्शन सन वाला पूरा फोकस इस पर, बाकी का राउंड फिगर ये जो है विंटीड जैसे है वैसे ब्लर हो गया। तो ये था हमारा मतलब ब्लर के बारे में। उसके बाद दिया हुआ है ब्लर में और वेराइटी यहाँ पे टेल शेप, ये तो आपको पता ही होगा, ये ऐसे करते हैं फिर इसको गोल घुमाते हैं, फिर हमको जितने जितने एरिया में शार्पनिंग में जो ना वैसे रहने देते हैं और फिर ये इंक्रीज करेंगे। इसको कम कर दूंगा पूरी, तो ब्लर ब्लर की ओपेसिटी बढ़ा देंगे, तो ये ब्लर की ओपेसिटी बढ़ा दी हमने। इसको मैं और इंक्रीज करूँगा ऐसे और इसको और इंक्रीज करूँगा ऐसे। ओके तो ये जो पोर्शन दिखेगा अभी आपको, ये जो पोर्शन बस इतने ही जगह पे फोकस है, बाकी ऑलरेडी पूरा ब्लर कर दिया है इसने। जो स्ट्रेट लाइन हमने जो ली थी इसके अंदर का जो एरिया आता है वो पूरा ब्लर में चले जाता। तो ये जो था हमारा पूरा ब्लर का ऑप्शन था। इसके बाद में बताया था ये ब्लर क्या हो गया था, ये ब्लर गैलरी में इन्होंने स्क्रीन ब्लर ऐसा हो गया, ये तो टोमेटो जैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये यूज़ क्यों करना भाई, क्यों करना, प्लेन ब्लर दिया है इन्होंने तो प्लेन ब्लर ब्लर यूज़ करो, गॉशियन ब्लर वगैरह यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन दिए थे अलग अलग। उसके बाद डिस्टॉर्ट में डिस्प्लेस कर दूंगा मैं, डिस्टॉर्ट डिस्प्लेस रैप अराउंड, और इसको मैं हॉरिजॉन्टली टाइल कर देता हूँ। उसके बाद ओके, डिस्टॉर्ट में हम इमेज प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे स्टाइल प्लेस कर सकते हैं कोई भी, पिंच करूँगा तो ये पिंच पिंच इनको, वापस से इमेज में सेलेक्ट करता हूँ पहले ओपन, उसके बाद मैंने ये पिक्चर निकाली थी किधर वो ये है वो पिक्चर। तो ये जो हमने पिक ली थी हम इस पर डिजॉर्ट करके दिखे, डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट पिंच, ये पिंच कैसे रहेगा जो मैं अभी ये वाले एरिया पे मैं पिंच हाई करके ओके करूँगा,
तो पूरा जो है ये आजू बाजू का सराउंडिंग एरिया वो उस पे जाके मतलब गिर पड़ेगा। मतलब जैसे मैं ऐसे लग रहा है मैंने जो आजू बाजू का जो ये पेड़ वगैरह है वे सब जाके उस पे मतलब ऐसे लग रहा है फोटो एंगल्ड वाइज ऐसे लॉन्ग लिए स्ट्रेच करके लिए फोटो, मतलब फोटो जो है मिडल से स्ट्रेच हो गई है। तो ये दिया है, फिर मतलब ये डिस्टॉर्ट के बारे में, और फिर आता है डिस्टॉर्ट में, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। स्क्रीन्स ऐसा कुछ तो होता है इसमें ना, पिंच पोलार कोऑर्डिनेट्स ये सब पैकली लगते भाई। अब रेक्टेंगुलर हो जाएगा लगाई मेरे को। तो ये जो है पूरी इमेज को इसने अलग पूरी ही पूरी खत्म बना दी है, क्या बताओ। ये बहुत ट्राई के लिए देते हैं फिल्टर, समझ नहीं आता। तो ये था पोलार्ड के बारे में, ऐसा मेरे को बताना नहीं तो नहीं चाहिए सब, तो भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। रिपल, अब रिपल हो जाएगा ये, डिस्टॉर्ट रिपल, इसके ऊपर से ठीक है। अब पता था क्या हो गया इसमें, ये जो है पूरा जो है मेटल, जैसे मेटल पेंटिंग जैसे रहती है वैसे इसे मेटल पेंटिंग जैसे क्रिएट कर लिया है पूरे फोटो को। तो ये रिपल के बारे में था, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के दरियाँ, डिस्टॉर्ट के बाद यहाँ पे ट्रूल ज़िगज़ैग, यहाँ पे फिर नॉइस आपको पता ही होगा। नॉइस हम नॉइस ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है आपको ग्रेन बोल सकते हैं हम इसको, अमाउंट ज़्यादा कर दूंगा मैं, ये था ये ज़्यादा यू भी बहुत इतनी नहीं चाहिए क्या करूँगा। तो ये जो था हमारा नॉइस के बारे में, हम नॉइस ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर नॉइस के ऊपर जाऊँगा तो डिस्पेकल जो है ऑप्शन दिया वो कर सकते हैं यहाँ पे। नॉइस के ऊपर जाके डस्ट एंड स्क्रैचेस ब्लरी कर दिया है, थ्रेशोल्ड, बढ़ा के हम क्या करेंगे पता है, जो भी ये हाईलाइट एरिया जो दिख रहा है वो ही वाला पोर्शन ब्लर होगा ज़्यादातर। तो ये जो था थ्रेशोल्ड के बारे में रहता है ये। उसके बाद जो दिया है नॉइस में रिड्यूस नॉइस, ये तो पता ही होगा, मैक्सिमम कम ज़्यादा करके नॉइस रिड्यूस कर सकता हूँ ये ऐसा। तो ये पिक का जो नॉइस है वो पूरा रिड्यूस हो गया। उसके बाद जो दिया है हमको नॉइस रिड्यूस पिक्सेल क्रिस्टलाइन, अच्छा तो ये कैसा है, अब क्रिस्टल सा ये है। और यही अगर मैं पिक्सलेट में जाके फैसेट करूँगा तो एक फैसेट वाले इस पे आ जाएगा। पहले मैं इसको प्लेस करता हूँ पहले, हाँ पिक्सलेट कलर ये थ्रेशोल्ड मैंने जो आपको बताया था यार वहाँ पे जो पहले ऑप्शन आया था वही नहीं है। O2127 ही बता रहा है ये, ठीक है। अब ये पिक्सल है भाई, इतने बड़े बड़े पिक्सल दे दिए हमें, तो मतलब सोचो माइक्रो साइज जो पिक्सल रहता होगा इमेज में वो कितना माइक्रो नैनोमीटर, बाप रे कितना कितना छोटा रहता होगा पता नहीं। तो ये जो था पिक्सलेट, यहाँ पे फ्रैगमेंट भी है, दो बार क्यों जाना पड़ रहा है मेरे को इसमें, फ्रैगमेंट बढ़ते जा रहा है ये तो, ठीक है फ्रैगमेंट बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेजोटिंट, ये भी एक प्रकार का यही है, नॉइस, ग्रेन जो है वो बोल सकते हैं इसको, पॉइंट लाइस, ये पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट जो रहते हैं वो वाला पिक्सल दिया है इन्होंने। उसके बाद जाते हैं हम लोग रेंडर फ्लेम, आप इज रिक्वायर्ड टू यूज़ ए फिल्टर, तो फिल्टर यूज़ कर लेते हैं कुछ 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 कुछ। अभी का ये वाला फिल्टर रखते हैं, मैं इसको करता हूँ रेंडर फ्लेम, रिलेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड टू यूज ए फिल्टर। जो ये इमेज है हमको दो इमेज मर्ज करना पड़ेगा इसमें, यही इमेज में और एक इमेज डाल के हम एडिट जो करते हैं, जैसे मैं अगर ये स्काई हटाऊंगा इसके बदले दूसरे तब वो अप्लीकेबल होंगे। तो ये रेंडर मिला तो पिक्चर फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, ये जो है फ्रेम, अप्लीकेबल होगी और चला गया कि ये फ्रेम क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो ये दिया है फ्रेम के बारे में इन्होंने, फ्रेम फ्रेम ट्रीज 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 ऐड कर सकते क्या, हाँ ये तो मैंने किया हो एक फोटो में, मैंने इसको ऐड किया था। तो यहाँ से हम इसका अमाउंट, लाइट डायरेक्शन, लेंस अमाउंट, लीव साइज, मैं इसको कम कर देता हूँ, लीव साइज को कुछ भी नहीं दिखेगा।
ब्रांच हाइट, ब्रांच थ्रेड थिकनेस, तो ये हो गया हमारा ट्री तैयार। उसके बाद हम इसको कहीं, चैनल्स करके लेयर्स बैकग्राउंड लेयर, तो ये जो ट्री है अप्लीकेबल हो गया। मैंने इसको न्यू लेयर में ऐड करना था, जैसे कैसे मैं बताता ऐसे करके न्यू लेयर पे ऐड करूँगा इसको, और उसके बाद जाके रेंडर में जाके ट्रीज। तो ये हो गया, ओके, तो ये आ गया हमारा ट्री। हम इसको भी मूवेबल बना सकते हैं, इसके ऊपर भी करके इसको हिला सकते हैं, कहीं पे भी प्लेस कर सकना है मेरे को इसको। तो मैं इसको ऐसे करके, अब ऐसा लग भी नहीं रहा, मैंने यहाँ पे ट्री ऐड किया है करके, बस हल्का सा फर्क दिख रहा। ये ब्रांच की शेडो की जो ओपेसिटी है वो कम करनी पड़ती है और कुछ नहीं। तो ये था हमारा ट्री के बारे में। उसके बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें क्लाउड्स, डिफरेंट क्लाउड्स, फाइबर्स, लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर मतलब देखा था, ये लेंस फ्लेयर जो है ये ऐड होगी, ओके, ये लेंस फ्लेयर ऐड होगी ये। उसके बाद दिया है इन्होंने अंदर में जाके फ्लेयर लाइटिंग इफेक्ट। उसके बाद शार्पन में शार्पिंग रिडक्शन, जो शार्पनेस है वो रिड्यूस होगा। मैंने सब कुछ दिया, तो वो जो था हमारा रेंडर के बारे में। यहाँ पे पूरा फोटोशॉप ही रेंडर हो गया मेरा। उसके बाद जो दिया शार्पन, शार्पन रिडक्शन, शार्पन शार्पन एज, हम एज जो है वो शार्पन कर सकते हैं, कोई भी ट्री का वगैरह वो अपना शार्प मास्क ये कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स दिया हुआ है, यहाँ पे इम्बेलेंस, डिफ्यूज, अलग अलग। ये जो है ये 3D में दिखा रहा है हमें, ये जो दिख रहा है ये 3D में, ये पेंटिंग के काम होता है और कुछ नहीं। उसके बाद जो दिया है स्टाइल्स में ट्राइस लोगो, कलर जो है वो कलर ऐड हो गया हर एक पर्टिकुलर ट्री में। मतलब ये जो पानी था यहाँ पे ग्रास के बारे में ट्रीज, तो ये कलर ऐड करता है। स्टाइल्स मतलब ऑयल पेंट करूँगा तो ऑयल पेंट ओके करता मैं। अब जो ये इमेज है ऑयल पेंट हो गई, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है पिक्सल्स, ये पूरे ऑयल पेंट की तरह हो। तो ये ऑयल पेंट के बारे में। उसके बाद जाते हैं हम यहाँ पे और फिर स्टाइल्स में जाके, यहाँ पे बहुत सारे विंड करूँगा तो विंड जैसे फ्लो फ्लो के जैसे दिखेगा है। उसके बाद शार्पन एजेस, स्टाइल्स, विंड, वीडियो, वीडियो कोई काम नहीं है वीडियो का हमको। तो यहाँ पे हाई पास दिया हुआ है, यहाँ हाई पास से हम स्क्रीन जो है वो क्लीन कर सकते हैं। अपनी जो फेस स्किन रहती है ना, मैं बताऊंगा इसका यूज़ प्रॉपर वाला। इस ये बहुत बहुत काम का फीचर है ये जो है ना। अदर में जाके आए पास मैक्सिमम में करूँगा तो मैक्सिमम पिक्सल, भाई क्या ही भैया पिक्सल किसने। तो ये पिक्सल के बारे में था पूरा। और यहाँ पे और इसमें दिया है मिनिमम ऑफसेट करूँगा तो ऑफसेट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा, ऑफसेट में बता रहा था, अगर वर्टिकल कम करूँगा तो वर्टिकली मतलब ऊपर से जो नीचे वाली इमेज हमको ऊपर आएगी, और यही हॉरिजॉन्टल करूँगा तो यही इस साइड वाली इस साइड आएगी। तो ये था हमारा भाई आज का जो फोटोशॉप का चाहिए था फिल्टर्स उसके बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कौन से टॉपिक पे बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फाइल सेव तो नहीं करूँगा मैं, ठीक है, थैंक यू।